सेशन में जस्ट डिस्कस करूंगा फंक्शन रिटर्निंग एड्रेस और अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर और हाउ कैन रिटर्न अ एड्रेस फ्रॉम अ फंक्शन। मीन्स प्रीवियस सेशन में मैंने फंक्शन से रिलेटेड रिटर्न टाइप के वीडियो में मैंने जितने भी एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे सभी एग्जांपल्स के केस में रिटर्न क्या कराया था, रिटर्न टाइप यूज किया था आइदर वॉइड टाइप और प्रिमिटिव टाइप्स। अगर आप किसी भी फंक्शन से जस्ट प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप, देन सिंपली रिटर्न टाइप यूज कर दिया जाए कैर। सेम एज अगर आप किसी इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, देन रिटर्न टाइप यूज कर दिया जाए इंट। सेम एज फ्लोट और डबल एंड सो ऑन। बट सपोज दैट अगर किसी फंक्शन से आप वेरिएबल का वैल्यू रिटर्न करा कर किसी फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे डेटा टाइप स्टार। इस जस्ट एड्रेस के रिस्पेक्ट में सिंटेक्स क्या यूज करेंगे, इन दैट केस सम रिक्वायर्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या आएगा, जिस वेरिएबल का आप एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो। डेटा टाइप के प्लेस पर सपोज दैट अगर आपको कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराना है, डेटा टाइप के प्लेस पर क्या राइट करो, कैर प्लस विद स्टार। मीन्स स्टार से जस्ट रिप्रेजेंट क्या हुआ, रिटर्निंग वैल्यू और रिटर्निंग एड्रेस, रिटर्निंग मेमोरी एड्रेस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल्स अगर इस फंक्शन से आपको कैरेक्टर टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना, देन डेटा टाइप के प्लेस पर अपीयर क्या हुआ, जस्ट कैर टाइप विद एस्ट्रेक M1 और एनी फंक्शन नेम। सेम एज अगर इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना, देन यूज क्या करोगे, जस्ट इंट स्टार फंक्शन नेम एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आपको किसी फंक्शन से कैरेक्टर टाइप के कैरेक्टर एरे का एड्रेस रिटर्न कराना है, एरे के केसेस में भी अगेन यूज क्या करेंगे, ऑल्सो स्टार। इसी से फर्स्ट केस में फंक्शन से किसी सिंगल कैरेक्टर का भी एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल, कैरेक्टर एरे का भी एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल। सिमिलरली इन सेकेंड केस में इस फंक्शन M1 की बात करें, सेकेंड केस में फंक्शन M1 से या तो आप सिंपल सिंगल इंटीजर वैल्यू का एड्रेस रिटर्न कराओगे या फिर किसी इंटीजर एरे का भी एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप फ्लोट टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, तो रिटर्न टाइप यूज करोगे या फ्लोट स्टार। पर डबल टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना है, रिटर्न टाइप यूज करेंगे या डबल स्टार। सिमिलरली अगर किसी स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना है, उस केस में अपीयर क्या हुआ, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नेक्स्ट के जब मैं स्ट्रक्चर आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूँ, उसके इसमें डिस्कस करेंगे रिटर्न टाइप विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स। क्लियर। मीन्स एरे के केसेस में भी यूज क्या करेंगे, ऑल्सो एस्ट्रिक लाइक दैट। वन मोर थिंग्स, जनरली सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टोटल 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है। मीन्स ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक। मीन्स रिकमेंडेड केसेस में बात करें, किसी भी फंक्शन से जनरली देखा जाए तो किसी भी स्टोरेज क्लास टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल एक्सेप्टिंग रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना ही पॉसिबल नहीं होता। रजिस्टर वेरिएबल का मेमोरी में कोई एड्रेस ही क्रिएट नहीं होता, इसलिए कभी भी रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अगर ऑटो और स्टैटिक के रिस्पेक्ट में बात करें, ऑटो टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है। अगर आप जब भी किसी फंक्शन से अगर ऑटो टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर केस में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट होना पॉसिबल हो। मीन्स रिकमेंडेड केस की बात करें, अगर रिकमेंडेड केसेस के अकॉर्डिंग या तो किसी फंक्शन से आप स्टैटिक वैल्यू का एड्रेस रिटर्न कराओगे या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स। सपोज दैट अगर किसी फंक्शन से लोकल वेरिएबल का या ऑटो वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करा रहे हो, देन उस केस में चेक करें जस्ट बिहेवियर ऑफ गिवन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल सम फंक्शन M1, इसे M1 फंक्शन से अगर मैं किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करा रहा हूँ, तो रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज इंट स्टार सम फंक्शन नेम एज M1। क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट मैंने एक सिंपल लोकल वेरिएबल क्रिएट किया इंट एक्स इक्वल्स टू 10। इंट एक्स इक्वल्स टू 10। करेंटली एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, एक्स का डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या हुआ, इसके इसमें ऑटो टाइप्स और ऑटो स्टोरेज क्लास। यानी मैंने इसके इसमें रिटर्न कराया सिंपली रिटर्न एड्रेस ऑफ एक्स। क्लियर। प्लस सेम केस में एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक फंक्शन का मैंने जस्ट रिटर्न टाइप यूज किया जाए वॉइड, क्योंकि इस फंक्शन को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एज अ डमी ऑपरेशन, मीन्स विदाउट एनी लॉजिक। सिंपली इस फंक्शन के अंदर अगेन मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जाए इंटीजर टाइप इनटू वाई इक्वल्स टू 20। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकेंड सेशन में जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ मेन फंक्शंस, वॉइड मेन के केसेस में अगर मैं इस प्लेस पर कॉल कर रहा हूँ सम फंक्शन M1, ना आप ऑलरेडी श्योर हो जब भी ये M1 फंक्शन कॉल होगा, M1 फंक्शन जस्ट रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ एक्स।
एक्स का एड्रेस स्टोर कराने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, पॉइंटर वेरिएबल, प्लस पॉइंटर का टाइप क्या यूज करोगे डिपेंड करेगा किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हो रहा है, इंटीजर टाइप। इसलिए इस पर्टिकुलर केसेस में जब इस फंक्शन का रिजल्ट असाइन कराएं तो रिजल्ट ऑर्डिनरी वेरिएबल में असाइन करोगे, पॉइंटर वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डिपेंड करेगा रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन और रिटर्निंग एड्रेस ऑफ द फंक्शंस। इससे रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का एड्रेस, इसलिए करेस्पॉन्डिंग पॉइंटर का डेटा टाइप भी क्या यूज करेंगे, ऑल्सो int star, क्लियर। देन printf के थ्रू सिंपली मैंने डिस्प्ले कराया printf परसेंट डी स्पेस देन स्टार ptr। जस्ट इस केस में सबसे पहले मैं स्टैक डायग्राम क्रिएट करूंगा, देन आपको लिए जैसे ऑटो वेरिएबल का बिहेवियर एग्जैक्टली समझना पॉसिबल हुआ। मीन्स मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जैसे ही इस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में जस्ट कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम पर लोड कहाँ होता है, इनसाइड स्टैक एरिया। किसी भी फंक्शन को स्टैक में लोड करने का जस्ट एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शंस और ऑटो वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। सपोज दैट सम मेमोरी एड्रेसेस आर 100, 98, 96, 94 एंड सो ऑन, क्लियर। देन इस केस में एग्जीक्यूशन किस प्लेस स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ptr और ऑटो वेरिएबल ptr। ptr पॉइंटर वेरिएबल जस्ट क्रिएट होगा टॉप ऑफ द स्टैक। प्लस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था अगर किसी लोकेशन का एड्रेस एन है देन उसके इसमें लोकेशन का अदर नेम क्या क्रिएट होगा, ऑल्सो स्टार एन। फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट केस में इस लोकेशन का एड्रेस क्या है 100, तो इसको आप कंसीडर करोगे ऑल्सो स्टार 100। सिमिलरली 98 के केस में इस लोकेशन को कंसीडर कर सकते हैं स्टार 98। 96 लोकेशन को आप कंसीडर कर सकते हैं स्टार 96। तो फर्स्ट केस में इनिशियली 100 लोकेशन के साथ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड लोकेशंस, जैसे ही ptr क्रिएट होगा ये 100 लोकेशन कंसीडर हो गया जा रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस, लेकिन रिमेनिंग प्लेसेस अभी भी कैसे हैं रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड प्लेसेस, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड स्टेटमेंट में जस्ट कॉल क्या हो रहा है, m1 फंक्शंस। जैसे ही m1 फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड होगा हेडर ऑफ द m1। देन अगेन मीन्स करेंटली स्टैक के टॉप में अभी लोडिंग किसके लिए हुआ था, जस्ट सबसे पहले कॉलिंग किसके लिए हुआ, मेन फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले लोडिंग किसके लिए हुआ है, मेन। नेक्स्ट टाइम जैसे ही m1 फंक्शन कॉल हुआ देन स्टैक के टॉप प्लेस में एक और एंट्री क्रिएट हुआ फॉर m1 फंक्शंस, क्लियर। इस स्टैक में करेंटली टोटल कितने फंक्शन लोड हो चुके, 2 फंक्शन, मेन मेथड, मेन फंक्शन और m1 फंक्शंस। m1 के रिस्पेक्ट में जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल m1 के बॉडी पार्ट में एंटर होगा इमीडिएटली सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल ऑफ m1। m1 के अंदर ऑटो वेरिएबल क्या है, ओनली x। देन स्टैक के टॉप में एलोकेशन किसके लिए हुआ, लोकल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल x। x के लिए मेमोरी एड्रेस असाइन हुआ है 98। देन x के रिस्पेक्ट में इनिशियल वैल्यू क्या पास किया है, सिंपली 10। मीन्स फाइनली 98 लोकेशन करेंटली आपके साथ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड लोकेशन विद इनिशियल वैल्यू 10। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ रिटर्न के केस में एम्परसेंट ऑपरेटर अप्लाई किसके लिए हो रहा है, एक्स के लिए। इसलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एक्स। मेमोरी के अंदर एक्स का एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट 98। इस केस में रिटर्न क्या हुआ 98, 28 से कॉलिंग प्लेस में, जिस प्लेस पर इस फंक्शन को कॉल किया है इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 98, क्लियर। जैसे इस केस में 98 रिटर्न होगा, 98 असाइन किस में हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल ptr। ptr का टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, और 98 भी किस टाइप का एड्रेस है, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, क्लियर। देन ये 98 असाइन किस में जाएगा, इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल ptr। वन मोर थिंग्स, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल m1 के बॉडी पार्ट में एंटर हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल और ऑटो वेरिएबल ऑफ m1, क्लियर। सेकेंड केस, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल m1 फंक्शन से वापस कहाँ सेंड हुआ, मेन फंक्शन के लिए, देन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल्स, क्लियर। मीन्स जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या हो चुका, डी एलोकेशन फॉर m1 और इट्स ऑटो वेरिएबल्स। मीन्स जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर वापस आया देन अगेन ये 98 लोकेशन कैसा हो चुका है, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अगेन बिकम्स अनरिजर्व्ड मेमोरी प्लेस, क्लियर।
लेकिन इस अनरिजर्व्ड प्लेस का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर, मींस करेंटली पीटीआर रिजर्व्ड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अनरिजर्व्ड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अनरिजर्व्ड मेमोरी प्लेस प्लस पीटीआर के रिस्पेक्ट में जस्ट जब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एफ स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर के केस में पीटीआर के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएं, पीटीआर का वैल्यू विच इज 98। जब भी किसी एड्रेस के साथ स्टार अप्लाई करते हैं तो स्टार ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन, मीन 98 लोकेशन में करंटली वैल्यू क्या है, 10। मीन्स जरूरी नहीं है आपको इस प्लेस पर 10 ही मिलेगा, हो सकता है कोई अननोन वैल्यू मिल जाए या गार्बेज वैल्यू मिल जाए, क्योंकि करंटली एड्रेस किस टाइप का है, अनरिजर्व्ड प्लेस। अगर ये लोकेशन ऑलरेडी किसी अदर वैल्यू को असाइन हो चुका है तो इस केस में क्या आ सकता है, मे बी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। देन करंट केस में डायग्राम्स के अकॉर्डिंग फाइनली प्रिंट एफ से क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट एज 10। मीन्स अभी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर विजिबल हो रहा है क्या, नहीं, मे बी अननोन वैल्यू, मे बी 10। मीन्स इस केस में कोई गारंटी नहीं है कि 10 ही प्रिंट होगा, क्लियर, इसको अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम सपोज दैट अगेन मैंने प्रिंट एफ के बाद एक और फंक्शन कॉल किया एज ए एम टू, प्लस एम टू का रिटर्न टाइप क्या है इस केस में, वॉइड, मीन्स इससे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कोई रिजल्ट इसका किसी भी वैल्यू में असाइन नहीं किया, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जब एम टू फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल सेंड होगा टॉप ऑफ द सॉरी हेडर ऑफ द एम टू, देन जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है लोड कहाँ होता है, टॉप ऑफ द स्टैक, अगेन एम टू फंक्शन किस प्लेस पर लोड होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के अंदर टॉप एम टी प्लेस कौन सा, 98। मीन्स जो लोकेशन पहले एम वन के लिए असाइन होता सेम लोकेशन अगेन एलोकेट किसके लिए हो रहा है, एम टू के लिए। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल M2 के बॉडी पार्ट में एंटर हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल और ऑटो वेरिएबल ऑफ M2, M2 के अंदर ओनली सिंगल ऑटो वेरिएबल Y, मीन्स जो लोकेशन पहले X के लिए रिजर्व हुआ था सेम लोकेशन अगेन किसके लिए रिजर्व हो रहा है, लोकल वेरिएबल ऑफ M2 फंक्शन विच इज Y, देन Y के थ्रू Y में असाइन किया हो रहा है 20। मीन्स प्रीवियस केस में इस लोकेशन का वैल्यू क्या था, 10, और नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू क्या होगा, एज 20, क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स पीटीआर में प्रीवियस केस में असाइन क्या कराया था, एड्रेस ऑफ एक्स, मीन्स आपके अकॉर्डिंग अभी ये पर्टिकुलर पॉइंटर वैल्यू पॉइंट किसको हो रहा है, एक्स को, लेकिन एक्स टाइप का कोई मेमोरी लोकेशन फाउंड हो रहा है क्या, नहीं, एक्स का वैल्यू क्या था एट दैट टाइम, 10। आपके लिए एवरी टाइम स्टार पीटीआर का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 10, लेकिन इस केस में चेक करते हैं अगेन, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल अगेन कॉलिंग प्लेस पर सेंड हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन फॉर एम टू एंड इट्स ऑटो वेरिएबल्स, मीन्स अगेन नेक्स्ट टाइम मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ सेम स्टेटमेंट प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ स्टार पीटीआर, क्लियर, वैल्यू ऑफ स्टार पीटीआर, पीटीआर के केसेस में क्या है 98, देन रिप्लेस किया था स्टार 98, मीन्स स्टार 98 लोकेशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था 10, लेकिन करेंटली जस्ट एम टू के कॉल होने के बाद स्टार पीटीआर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 10 और 20, मीन्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था 10, थिंक जनरेटेड रिजल्ट क्या है इस केस में 20। मीन्स दिस इज द बिहेवियर ऑफ वेन एवर एनी फंक्शन रिटर्निंग एड्रेस ऑफ ऑटो वेरिएबल्स, बट सपोज दैट अगेन सेकेंड केस, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अगेन मैं सेकेंड केसेस में फर्स्ट केस में एक्स का टाइप क्या था ऑटो, सेकेंड टाइम मैंने इसको एलोकेट कराया एज अ स्टैटिक वेरिएबल, मीन सेकेंड टाइम सेम वेरिएबल एक्स का टाइप क्या है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास और ऑटो स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास, देन व्हाट इज द रिजल्ट अगेन, मींस प्रीवियस केस में इसका रिजल्ट क्या आया था जस्ट 10 एंड 20, व्हाट इज द रिजल्ट इन करंट केस, सेम प्रोग्राम का रिजल्ट मैं अगेन टेस्ट कर रहा हूँ, मींस एग्जैक्टली दोनों ही केस में कोड क्या है एग्जैक्टली सेम, ओनली डिफरेंस क्या प्रोवाइड किया है प्रीवियस और करंट प्रोग्राम में, प्रीवियस केस में एक्स का टाइप क्या था ऑटो, करंट केस में एक्स का टाइप क्या है स्टैटिक, देन चेक करेंगे अगेन, मीन सेकेंड टाइम अगेन जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ इस केस में, मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग, मीन्स मेन से भी जस्ट पहले परफॉर्म क्या हो जाए, मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल, मीन्स थ्रू आउट इस प्रोग्राम में ओनली सिंगल स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुआ एक्स, प्लस स्टैटिक वेरिएबल का एलोकेशन कब होता है बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, प्लस डी एलोकेशन कब परफॉर्म हुआ एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले डेटा एरिया और डेटा सेगमेंट में जस्ट क्रिएट क्या हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल एक्स, प्लस मैं इसका एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ एज अ
1000 प्लस इनिशियल वैल्यू क्या है एक्स का 10 प्लस इस लोकेशन का टाइप क्या है डेटा एरिया और डेटा सेगमेंट। इसके जस्ट बाद फर्स्ट सेकंड केस में एग्जीक्यूशन किसका स्टार्ट होगा मेन फंक्शन, जब मेन फंक्शन अगेन कॉल होगा देन परफॉर्म क्या कराएंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो और लोकल वेरिएबल ऑफ मेन 100 98 96 स्टैक डायग्राम। नेक्स्ट वन मेन के रिस्पेक्ट में जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर होगा देन परफॉर्म क्या होगा सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन विच इज पीटीआर। नेक्स्ट फोर्थ केस में कॉल क्या हो रहा है M1, जैसे M1 फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल कहाँ सेंड होगा बॉडी हेडर ऑफ द M1, देन जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल जैसे M1 फंक्शन के अंदर एंटर होगा डायरेक्टली फिफ्थ का सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या रहेगा रिटर्न एड्रेस ऑफ एक्स और एक्स का एड्रेस क्या करंटली 1000। नेक्स्ट वन कॉलिंग प्लेस पर फाइनली रिटर्न क्या होगा इस प्लेस पर सिक्स्थ के बाद जैसे द सेवंथ केस रिटर्न क्या हो रहा है 1000, ये 1000 आसान केस में जाएगा पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर, मीन्स इस केस में पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर स्टैक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा एरिया प्लस ये लोकेशन अवेलेबल कब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला, मीन्स इस केस में डीएलओ एक्स के लिए कोई डीएलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या नहीं। नेक्स्ट वन इसके जस्ट आप प्रिंट ऐप के थ्रू जब डिस्प्ले करा है स्टार पीटीआर और स्टार पीटीआर में करेंटली अवेलेबल क्या स्टार पीटीआर मीन्स स्टार 1000 और स्टार 1000 इस लोकेशन का अदर नेम हुआ वैल्यू का इसमें 10 तो फाइनली इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा रियल टेस्ट 10। दिस इज द फर्स्ट केस सेम एज प्रीवियस। देन नेक्स्ट टाइम जब M2 फंक्शन कॉल करेंगे सेवन के बाद दिस इज द एट्थ केस देन नाइन्थ केस में जब M2 कॉल होगा 10 M2 के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या होगा मेमोरी एलोकेशन फॉर Y, देन Y के केस में इनिशियल वैल्यू क्या आएगा 20। नेक्स्ट केस कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस इसको मैंने नेम देना है 11th देन 12th देन फाइनली 12th केस में जो कंट्रोल सेंड हुआ देन परफॉर्म क्या जो है डी एलोकेशन फॉर Y, मीन्स Y के एलोकेशन डी एलोकेशन से इस केस में पीटीआर इफेक्ट हुआ है क्या नहीं। नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करा अगेन 11th देन दिस इज द 12th देन 13th अगेन स्टार पीटीआर, मीन्स पीटीआर में अभी भी क्या है रिजर्व्ड लोकेशन का एड्रेस और अनरिजर्व्ड लोकेशन का एड्रेस, अभी भी एक्स कैसा है रिजर्व्ड लोकेशन मीन्स एक्स में अगेन क्या फाउंड हो रहा है 10 जबकि स्टैक के टॉप में क्या फाउंड हो रहा है 20, मीन्स इस केस में कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट हुआ है क्या नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्निंग एड्रेस ऑफ ऑटो वेरिएबल एंड रिटर्निंग एड्रेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर। नेक्स्ट केस में जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स फाइनली रिकमेंडेड केस क्या रहेगा वी शुड नेवर रिटर्निंग एड्रेस ऑफ ऑटो वेरिएबल्स फ्रॉम अ फंक्शन, वी कैन रिटर्न ओनली एड्रेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल और एड्रेस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स भी मेमोरी में एग्जिस्ट कब तक करेंगे जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, अब ये तक आपने देखा था मैंने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए सभी फंक्शन के लिए फंक्शंस को आपने कॉल कहाँ किया था लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर और राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑन द राइट साइड और एज अ सेकेंड ऑपरेंड टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। बट सपोज दैट अगर किसी भी फंक्शन से किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न हो रहा है देन इस वेरिएबल को फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड सॉरी इस पर्टिकुलर फंक्शन को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में भी कॉल करना पॉसिबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल्स सम वेरिएबल एज ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स कैसा है इस केस में ग्लोबल वेरिएबल, देन इस फंक्शन से मैं इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न कराऊंगा इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज किया जाए इंट स्टार, इस फंक्शन से रिटर्न क्या हो रहा है रिटर्न एड्रेस ऑफ एक्स सिंपल, देन वॉइड मैन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिंपली लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पॉइंटर वेरिएबल एज इंट स्टार पी, देन सबसे पहले मैं इनिशियली डिस्प्ले क्या करा रहा हूँ इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट एप परसेंट डी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का टाइप क्या है एक्स या ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी एक्सेस करना पॉसिबल है। देन इसके जस्ट बाद मैंने कॉल किया फंक्शन M1, लेकिन अभी तक आपने फंक्शन कॉल कहाँ कराए थे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक रिजल्ट इक्वल्स टू एडिशन ऑफ टू नंबर लाइक दैट सेम एज स्क्वायर रूट फंक्शन लाइक दैट, मीन सारे के सारे फंक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में अपीयर हुए थे राइट साइड में राइट साइड, बट सपोजेड किसी फंक्शन से एड्रेस नहीं हो रहा था इस टाइप के फंक्शन को लॉजिकली असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉल कराना पॉसिबल है लाइक दैट स्टार M1 equals to 0, then again we are displaying value of
इस केस में देखा जाए तो इस पॉइंटर वैल्यू को डिक्लेयर करने की नीड ही नहीं है। देन सिंपली मैंने अगेन डिस्प्ले कराया प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन एक्स क्या है ग्लोबल वेरिएबल, मैं चेक करना है बिफोर कॉलिंग एम वन फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स और आफ्टर कॉलिंग एम वन वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा मेमोरी एलोकेशन फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, ओनली कितने ग्लोबल वेरिएबल्स फाउंड हो रहा है ओनली सिंगल इच इज एक्स प्लस ग्लोबल वेरिएबल भी क्रिएट कहाँ होंगे इन साइड डेटा एरिया प्लस इस लोकेशन का मैं मेमोरी एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ 1000। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद कॉलिंग किसके लिए हो रहा है एम वन, देन सॉरी मेन फंक्शन लोड कहाँ हो जाए टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। नेक्स्ट वन थर्ड स्टेटमेंट डिस्प्ले क्या कर रहा है सिंपली वैल्यू ऑफ एक्स एंड करेंटली मेमोरी के अंदर एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है आपको 10 इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ इससे ऑल्सो 10। इन नेक्स्ट केस सेकेंड केस में जैसे ही एम वन फंक्शन कॉल हुआ कंट्रोल सेंड कराएंगे हेडर ऑफ एम वन 3, देन इसको मैं नेम दे रहा हूँ फोर्थ केस, देन फिफ्थ केस, देन सिक्स केस में रिटर्न क्या हो रहा है एड्रेस ऑफ एक्स और एक्स का एड्रेस क्या है 1000। तो फाइनली जिस प्लेस पर ये फंक्शन कॉल हुआ है उस कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1000, मीन्स जहाँ आपने एम वन को कॉल किया एम वन के कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या करा लोगे 1000। देन इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या होगा असाइनमेंट ऑपरेशंस, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग 0 उस लोकेशन में असाइन होगा जिसका नेम स्टार 1000 है, और ऑलरेडी आपको क्लियर होना चाहिए स्टार 1000 उस लोकेशन का नेम होगा जिसका मेमोरी एड्रेस 1000 है, इस लोकेशन का एड्रेस 1000 इसलिए इसका एक और नेम क्या रहा होगा स्टार 1000। स्टार 1000 में असाइनमेंट करने का मीनिंग क्या है इनडायरेक्टली एक्स में असाइनमेंट परफॉर्म करना, तो इस केस में चेंज मीन्स ये 0 किस लोकेशन में असाइन होगा एक्स, मीन्स प्रीवियस वैल्यू क्या था 10 करंट वैल्यू क्या है इसका 0, नेक्स्ट टाइम जब एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करा होगा एक्स का करंट वैल्यू 0 इसलिए प्रिंट भी क्या होगा इससे ऑल्सो 0, मीन्स इस टाइप से लॉजिकली डी रेफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करके किसी भी फंक्शन को असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कॉल करना पॉसिबल होगा, इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन रिटर्निंग एड्रेस।